राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडी हॉस्टल्स के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका एडमिशन हो चुका है या फिर उनका एडमिशन अभी पेंडिंग है, लेकिन वो हॉस्टल के बारे में पता करना चाहते हैं कैसे क्या हॉस्टल मिलेगा आपको, किस बेस पे आपको हॉस्टल मिलता है, तो आज उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो भाई देखो मैं बता दूंगी, हॉस्टल का अभी तक प्रोस्पेक्टस आया नहीं है। ठीक है, रूल रेगुलेशन वो सारी चीजें उसमें, लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगी कैसे क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना जरूरी है। जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो उसको क्या करना है कि हॉस्टल फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी नोटिस भी आ जाएगा। तो हॉस्टल के फॉर्म निकलते हैं, आपको क्या करना, बॉयज को बॉयज हॉस्टल में, ठीक है, गर्ल्स को गर्ल्स हॉस्टल में जाके हॉस्टल का जो फॉर्म है वो लेना। ठीक है, हॉस्टल का फॉर्म लेके उसको फिल करना है, सारी चीजें अपनी डिटेल में फिल करनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई भी गलत डिटेल ना फिल करे, क्योंकि वो हॉस्टल का फॉर्म आपका 100 से 150 रुपए का आपको मिलता है। अगर गलत फिल कर दिया तो खराब हो जाए, दोबारा लेना पड़ेगा। ओके, तो वो चीजें आपको फिल करनी, नॉर्मली सारी चीजें फिल करके उसके साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको अटैच करने। ठीक है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके सारी चीजें अटैच करके जो आपका डिपार्टमेंट है, जैसे आपका एडमिशन होता है ला डिपार्टमेंट में तो ला में जाओगे आप, आपका एमसार है एमसार में, ज्योग्राफी है हिस्ट्री, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके एचओडी के साइन वगैरह करवाने होते हैं। एचओडी के साइन वगैरह करवाने के बाद जो आपका डिपार्टमेंट का कलर है वो आपके जो फॉर्म है सभी के सबमिट कर देंगे डिपार्टमेंट में। ठीक है, लेकिन कई आलसी डिपार्टमेंट इसे भाई वो खुद कह देते हैं कि अपने हॉस्टल में दे आओ फॉर्म, तो आपको दिक्कत ना लेनी, क्योंकि हॉस्टल आपको लेने का, आप वहां पर फॉर्म दे के आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एक क्राइटेरिया बना रखा कि मिनिमम आपका 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40 किलोमीटर डिस्टेंस वाले बच्चों को ही आपको हॉस्टल दिया जाता है, और उससे कम वाले बच्चे हैं भाई वो हॉस्टल के लिए अप्लाई ना ही करें, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बाकी भाई सिफारिश तो बहुत करवाना है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका फॉर्म में वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो डिस्टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से जो भी है वो एक लिस्ट निकाल देते हैं जिसमें कि हॉस्टल के बच्चों का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद वो लिस्ट आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें भी लगा दी जाती है, हॉस्टल में भी लगा दी जाती है। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि हाँ भाई ये लिस्ट लगी है। और फिर उसके बाद क्या करना कि आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन दोबारा से करवानी होती है। ठीक है, दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको क्या होगा कि हॉस्टल के लिए आपको अप्लाई के लिए, उसके बाद आप हॉस्टल के लिए इलिजिबल हो जाते हो और आपको फीस कटवानी होती है। पिछले साल 14,400 रुपये के अराउंड फीस थी। ठीक है, पिछली साल की वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि ऐसे ऐसे हॉस्टल था, पूरा प्रोस्पेक्टस है पिछले साल का। ठीक है, सेम ही प्रोस्पेक्टस आएगा, बस डेट चेंज होगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, सारी चीज़ उसमें है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको वहां से फीस कटवा के, और उसके बाद आपको हॉस्टल के, जैसे ही आप फीस कटवाओगे, फीस कटवाने के बाद फीस आपको बैंक में कटवानी होती है या फिर आप ऑनलाइन कटवा सकते हो कहीं से भी, मतलब वेबसाइट से, साइबर कैफे से कटवा सकते हो या फिर आप अपने फोन से भी काट सकते हो। ठीक है, वो फीस काटने के बाद आपको क्या है कि स्लिप आपको आपके हॉस्टल में सबमिट करवानी है। स्लिप सबमिट करवाते ही आपको हॉस्टल रूम अलॉट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद साफ सफाई करके गद्दे बिस्तरे लेकर अपना आराम से रूम में सेटल हो जाइए। ठीक है, होप करता हूं समझ में आ गई होगी कि हॉस्टल की प्रोसेस क्या रहने वाली है। पहले एडमिशन लेना, फिर फॉर्म भरना, फिर वेरिफिकेशन करवा के फीस कटवानी है, और फिर आपको हॉस्टल है वो आपको अलॉट हो जाता है। सो आपका अगर कोई और डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हो, जल्दी सबके कमेंट्स से रिप्लाई देंगे भाई। और इंस्टाग्राम की आईडी दिखा तो इंस्टाग्राम आईडी ना फॉलो कर लियो। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।